हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि सर्विस फ्लोर की मार्किंग कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये मान लेते हैं कि यह हमारा एक सर्विस फ्लोर है, और फिर सर्विस फ्लोर की मार्किंग के लिए हम PDDCR में लेयर यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग सेक्शन की। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे फ्लोरिंग सेक्शन की लेयर में, हमारा सेक्शन में, क्योंकि वो हमारा सेक्शन में एक फ्लोर है। ये हमने फ्लोरिंग सेक्शन की लेयर में सेक्शन में ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक फ्लोर की लेयर ले रहा हूँ इसके फ्लोर प्लान पे ड्रॉ करने के लिए। ये सेक्शन में हमने फ्लोरिंग सेक्शन की लेयर से ड्रॉ किया, और अब हम इसका काउंटर, मतलब इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है फ्लोर में, उसको हम फ्लोर की लेयर में ले रहे हैं। तो ये हमने इसको ये ड्राफ्ट कर लिया। अब इसके बाद हम इसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम PDDCR पे क्लिक करेंगे, इसका असाइन नेम पे क्लिक करेंगे। असाइन नेम के बाद हम इसमें फ्लोर नेम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें उसका फ्लोर नेम असाइन करना है। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इसमें सर्च करेंगे कि हमारा सर्विस, ये सर्विस फ्लोर, यहाँ से हमने ओके किया। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैश होगा प्लीज़ सेलेक्ट फ्लोर लेयर पॉली। तो हमने फ्लोर पॉली पे यहाँ सेलेक्ट किया, इसको क्लिक कर लिया। और हम अब इसके बाद इसने दूसरा पॉपअप हमें दिया, प्लीज़ सेलेक्ट फ्लोरिंग सेक्शन लेयर। तो हमने फ्लोरिंग सेक्शन लेयर को यहाँ पे ड्राफ्ट किया है यहाँ पे। अब अगर हम और कोई फ्लोर असाइन करना चाहते हैं तो हम येस करेंगे, क्योंकि हमारा इस ड्राइंग में एक ही सर्विस फ्लोर है, तो हम इसको नो क्लिक कर देंगे। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा ये सर्विस फ्लोर प्लान लिख कर आ गया ग्राउंड फ्लोर पर। अब इसको हम वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं सेक्शन में, सेक्शन में भी ये हमारा सर्विस फ्लोर प्लान हो गया। थैंक यू।